अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। ईद आ रही है और हम बना रहे हैं, आज हम बनाएंगे रोस्टेड लैम्ब शैंक विद राइस एंड वेजिटेबल्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिल सकें। यहाँ मैंने लिए हैं 5 लैम्ब शैंक्स यानी दुम्बे के शोल्डर्स, उनको अच्छी तरह से धो लिया था और ड्राई कर लिया। अब एक ट्रे में फॉइल पेपर लगाएँ। अब इस ट्रे में लैम्ब शैंक्स को रखेंगे और एक फोर्क की मदद से मैं इसके अंदर थोड़े थोड़े सुराख कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से प्रिक कर लें, इससे मसाला जो है अच्छी तरह से अंदर चला जाएगा। अब इस पर दोनों साइडों पे काली मिर्च को अच्छी तरह से लगाएंगे। ये काली मिर्च जो है ये फ्रेश ग्राउंडेड है। अब इसके ऊपर साल्ट जो है वो भी दोनों साइडों पे लगाएंगे। अब इस पर तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल अच्छी तरह से ड्रिजल करें। अब इसमें मैं एक प्याज कटी हुई डालूंगी। यहाँ मेरे पास हैं 7 चौहे लहसुन के, जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है और अब इनको मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मीट को लग जाएं। अब इसको हम 450 डिग्रीज पर ओपनली 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब यहाँ हम लेमन ऑयल तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1.5 लेमन दिया है, जिसको मैं स्क्वीज़ कर लूँगी। इसके लिए मेक श्योर करें कि आप फ्रेश लेमन ही यूज़ करें। 1.5 लेमन में से 1/4 कप लेमन जूस निकला है, ये हम एक बोल में डालेंगे। साथ ही 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल जाएगा, 1 टेबलस्पून ओरिगानो, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साइड पर रख लेंगे। 20 मिनट के बाद लैम्ब शैंक्स को ओवन से निकाल कर उनकी साइड्स टर्न करें और उनको दोबारा से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दें। 40 मिनट के बाद उनकी शक्ल कुछ ऐसी है, उन अच्छा सा कलर आ गया है। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर जो ऑयल हमने तैयार किया है उसको डालें और इसको कवर करके 2 घंटे के लिए बेक कर लें, लेकिन मैं इसमें चावल ऐड करने लगी हूँ तो मैं इसमें से ये शैंक्स को निकालूँगी। और इसके अंदर डाल रहे हैं हम 1.5 कप धुले हुए चावल, इनको हम मैंने भिगोया नहीं था, और उसमें अच्छी तरह से जो नीचे मसाला जो कुछ भी रह गया है उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून मैं सॉल्ट स्प्रिंकल करूंगी और यहाँ मैं शैंक्स को दोबारा चावलों के ऊपर रख लूंगी। अब जो हमने तेल बनाया था उसको ऊपर इसके डाल देंगे और यहाँ 1.5 कप पानी, या फिर अगर आपके पास चिकन स्टॉक या मटन स्टॉक है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ डालूँगी कुछ कैरेट्स, पीस और आलू, और अब इसको हम कवर करेंगे फॉइल पेपर के साथ अच्छी तरह से और इसको 350 पर 2 घंटे के लिए बेक करेंगे। 2 घंटे हो गए हैं, चलिए अब हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारे चावल और गोश्त जो है बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गया है। आप इसी ट्रे में सर्व कर सकते हैं या फिर इस तरह लैम्ब शैंक्स को निकाल लें और फिर चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करें और एक ट्रे में निकाल लें और लैम्ब शैंक्स को उनके ऊपर अच्छी खूबसूरती से अरेंज करें। हमारा 1 पॉट मील जो है वो बिल्कुल रेडी है। देखें लैम्ब शैंक्स जो है बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसको सैलड और रायते के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।